अभी डिस्क्लोजर की जिन स्टॉक्स पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो एसएल समूह की ही है। दो स्टॉक से बात करूँगा, डिश टीवी और जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट में हमने अपनी इनिशियल कमेंट्री में भी शामिल किया था। देखिए कल डिश 90 पर बंद हुआ और डिश में देखिए सबसे बड़ी प्रभावित करने वाली चीज़ क्या है कि जब एक जरा प्लीज़ एक बार दीपक जरा इसके ईयरली चार्ट दिखाइएगा विद डिस्क्लोजर कि मैं एक बार फिर से अपने एसएल समूह की कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए कल क्या हुआ, जब ये क्रिटिकल डिश का ईयरली चार्ट जब भी कोई क्रिटिकल लेवल पार करता है तो सडनली क्या होता, देखिए क्या किया इसने, याद रखिए इसने पिछला जो एक हाई था आपको नजर आ रहा है दिसंबर और अप्रैल के बीच में उसको कल क्रॉस करने की चेष्टा करी 88-87। अब जब ये किसी क्रिटिकल लेवल को पार करता है तो क्या करेगा, आई मीन मान लीजिए मैं इस पर शॉर्ट बैठा था तो मैं क्या करूँगा, सडनली क्या करूँगा, मैं अपने शॉर्ट्स को कवर करना शुरू कर दूंगा, मंदी की पोजिशन स्कोर ऑफ कर लूंगा। कल यही हुआ डिश में, कल इसके ओपन इंटरेस्ट में 1,20,000 शेयर कम हुए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा 2.5 रुपये की मल्टीपल पे इसके ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर आप इसकी स्ट्राइक्स को देखें जरा गौर करिएगा, कल इसकी 95 की कॉल जो थी 1,00,000 शेयर लिखे गए, कितने की कॉल 95 की, यानी यहाँ से करीब करीब 7.5 रुपये ऊपर की कॉल, 92,50, 20,000 और 90 की कॉल जो कि अब स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन है वो लगभग 60,000 शेयर लिखे गए, यानी टोटल एडिशन जो हुआ 1,20,000 और 60 1,80,000 90 से लेकर 95 की स्ट्राइक में। और अगर आप पुट्स को देखें, हाँ मैं ये कहता हूँ कि पुट्स में बहुत राइटिंग नहीं है तो मैं अभी कुशन की बात नहीं कर सकता, स्टॉप लॉसेस के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन सुब्रा डिश एक तो मैंने स्क्रीन पर रख दिया, स्टेटिस्टिक्स भी मैंने आपको दे दिए, और दूसरा था इसी स्पेस का जी एंटरटेनमेंट जो कि स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से धीरे धीरे बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। इसमें से अगर दाव लगाना है तो आप किस पर दाव लगाएंगे? वीरेंद्र, हम सबसे पहले जी की ही बात कर लें। आई थिंक यहाँ पर बहुत दिन के बाद यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देखी, आई थिंक लास्ट 2-3 महीने में काफ़ी रेंज बाउंड देखे, लेकिन कल के दिन पे अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं एक वापस से अपवर्ड मोमेंटम की कोशिश की है। तो मेरा मानना है कि शायद कंफर्ट लेवल जो है मेरा जी के साथ है, और ऑफकोर्स एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये 200 DMA के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है तो हो सकता है एक पुल बैक वापस 200 DMA के आसपास मिले और यहाँ पर नीचे वापस 385-390 तक आवे, लेकिन मेरा मानना है कि क्लियरली जी टेलीविजन एक अच्छी खासी कैंडिडेट है जहाँ पर आई थिंक वापस 410 जाने की क्षमता रखती है। जहाँ तक डिश टीवी का सवाल है, दिस काउंटर आई थिंक फ्लैटेस्ट टू रिसीव, बहुत बार हमने ऐसे ही देखे, हमने ब्रेकआउट्स वगैरह देखे, लेकिन इसमें सस्टेन होना काफ़ी हमने देखा इस मुश्किल हो जाती है। मेरा मानना है कि नियर टर्म कॉशन रखनी चाहिए, अगर बाई चांस यहाँ पर 92-95 यहाँ तक लेवल मिले तो मेरा मानना है कि शायद एक बार मुनाफा वसूली करके यहाँ से निकल जाए।